तो हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको वॉच डॉग के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि मेरे पुरानी वीडियो में मैंने आपको गार्ड डॉग के बारे में बताया था, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे थे कि हमें एक वॉच डॉग चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार जो गार्ड डॉग होता है अटैक करता है, बट वॉच डॉग जो होता है वो बार करके हमें बस अलर्ट करता है, तो हमें एक ऐसा डॉग चाहिए। तो आज की इस वीडियो में उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि प्लीज़ अभी घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, हैंड वॉश करते रहिएगा और मास्क का ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। बेवजह बाहर मत जाइएगा, बहुत ज़्यादा खतरा है सब जगह पे। तो ऐसे में आपके परिवार और आपके डॉग की आप हिफाजत ज़रूर से कीजिएगा। काम हो तो ही बाहर निकलिएगा, वरना आप घर पर आराम से बैठ के अपना काम करते रहिएगा और अपने परिवार का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अगर आपको कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्टर से जाके आप ज़रूर से उनको ट्रीटमेंट या उनसे सलाह ज़रूर से लीजिएगा। पे डॉग ब्रीड आता है वो है ग्रेट डैन। ग्रेट डैन एक अच्छा वॉच डॉग भी उसे कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये ग्रेट डैन है। बस आपको दिक्कत ये है कि ये जो है लार्ज साइज़ के डॉग ब्रीड होते हैं। अगर आप छोटे अपार्टमेंट में या छोटे हाउस में इनको रखना चाहते हो या रखने की कोशिश करते हो तो ये नहीं रह सकते उनमें, क्योंकि एटलीस्ट 3 BHK के आप या फिर जो आपके फार्म हाउस है या फिर नीचे वाला घर है ग्राउंड फ्लोर पर अगर वहाँ पर, तो आपके लिए डॉग ब्रीड काफ़ी सही रहेगा। या फिर आप गाँव में या फिर आपके पास बैकयार्ड है तो भी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप छोटे अपार्टमेंट में इसे रखना चाहते हो तो आपको दिक्कत आएगी, बट ये काफ़ी अच्छे वॉच डॉग माने जाते हैं। ये बेबीज़ के साथ आपके फैमिली मेम्बर के साथ काफ़ी अच्छे से रहते हैं, इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, और अगर आप सही से इन्हें ट्रेन करते हो तो काफ़ी अच्छे वॉच डॉग भी बन जाते हैं। और ग्रेट डैन की लाइफ स्पेन की बात करें तो 6 ईयर से लेकर 12 ईयर तक इनकी लाइफ स्पेन होती है। ये आपके बहुत सारे कलर में आपको मिल जाएगा, जैसे कि फ्यून, ब्रिंडल, ब्लैक, ब्लू और ऐसे बहुत सारे कलर में आपको मिल जाएगा ये डॉग ब्रीड। तो जो लिस्ट में हमारा जो सेकेंड नंबर का डॉग ब्रीड है वो है बॉक्सर। गाइस बॉक्सर काफ़ी अच्छे गार्ड डॉग भी होते हैं और वॉच डॉग भी होते हैं। आजकल में इन डॉग को जो है आर्मी पुलिस में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये डॉग ब्रीड ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आपको आराम से मिल जाएगा। इनका मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा। इनका डाइट के ऊपर भी आपको इतना ज़्यादा डीपली ध्यान नहीं देना पड़ेगा। अगर आप नए डॉग ओनर हो और आपको एक अच्छा डॉग चाहिए और आप थोड़ा बहुत जानते हैं डॉग के बारे में, तो भी आप इन डॉग ब्रीड को आसानी से रख सकते हैं। ये डॉग ब्रीड आपको 3 BHK 2 BHK में भी आप रख सकते हैं आसानी से। बट इन डॉग को डेली एक्सरसाइज की सख्त ज़रूरत होती है। कम से कम आप रोज के 10 या 20 मिनट इनको डेली वॉक पे ज़रूर ले जाए, ट्रेनिंग दे, सोशलाइज ज़रूर करें बाकी डॉग के साथ, बाकी सब आपके फैमिली मेम्बर के साथ, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ये डॉग ब्रीड होगा। ये डॉग की लाइफ स्पेन की बात करें तो 9 से लेकर 14 ईयर तक इनकी लाइफ स्पेन होती है। और इनके कलर की बात करें तो ये आपको फ्यून कलर में मिल जाएगा, ब्रिंडल कलर में मिल जाएगा, वाइट कलर में मिल जाएगा, और ये न्यू डॉग ओनर के लिए काफ़ी अच्छे, बेबीज़ के साथ भी काफ़ी अच्छे से रहता है, इसलिए आप इन्हें अडॉप्ट भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड है वो है पोमेरियन। गाइस आप सभी को पता है ये छोटी डॉग ब्रीड है, छोटी साइज़ की डॉग ब्रीड है, इसलिए छोटे अपार्टमेंट में या फिर स्मॉल हाउसेस में 2 BHK 3 BHK उनमें आराम से डॉग ब्रीड रह सकती है। अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, ये कम से कम आपको 6000 से इसका प्राइस चालू होता है, तो 10000 या 11000 तक जाता है, और अच्छी क्वालिटी का भी आपको मिल जाएगा। फीमेल लेते हो तो और सस्ती मिल जाएगी, और ये इंडियन वेदर के हिसाब से काफ़ी अच्छे से रहते हैं, बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से रहते हैं, और इनको अगर आप ट्रेनिंग देते हो, जैसे कि ट्रेनिंग सोशलाइज करते हो, तो ये अच्छे से वॉच डॉग भी बन जाता है। जैसे कि अगर आपके घर में कोई भी आता है तो ये ज़रूर से आपको बार करके अलर्ट करके आपको बताएगा कि कोई ना कोई आपके घर में आया है, या छोटे बच्चे हैं आपके घर में या फिर छोटी फैमिली है, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा डॉग ब्रीड रहेगा। तो जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड है वो है डॉगो अर्जेंटिनो। गाइस ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मस्कुलर होते हैं। हालांकि इंडिया में किसी किसी के पास ही ये डॉग ब्रीड है, ज़्यादा लोगों के पास नहीं, क्योंकि इनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और इनको फर्स्ट टाइम जो डॉग ओनर होते हैं वो इन्हें नहीं रख सकते। अगर सेकेंड टाइम है, थर्ड टाइम है, तो वो इन्हें आराम से रख सकते, क्योंकि उनको ये डॉग ब्रीड रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत होती है। इनका मेंटेनेंस का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है, इनका डाइट का खर्चा, खाने का खर्चा भी होता है, इनको अच्छे से ध्यान देना पड़ता है, इनके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है, इनकी केयर बहुत करनी पड़ती है, बट ये आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छे हैं। आप ये बोल सकते हैं गार्ड डॉग का भी काम करता है और वॉच डॉग का भी अच्छे से काम करता है, डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे ट्रेनिंग देते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा डॉग ब्रीड है। अगर आप सेकेंड टाइम हो या फिर आपके पास अच्छा खासा पैसे है, अच्छा खासा जगह है, स्पेस है, तो आप इन डॉग ब्रीड के साथ भी जा सकते हैं। और ये डॉग ब्रीड आपको व्हाइट कलर में मिल जाएगी, व्हाइट कलर में काफ़ी अच्छी खूबसूरत लगती है। और अगर आप एक तगड़ा चाहिए डॉग, आपको एक मस्कुलर डॉग चाहिए, एक वॉच डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए साथ में, तो आप इन डॉग ब्रीड के साथ जा सकते हो। तो गाइस जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड है वो है अकीता।
आपको एक ऐसा डॉग चाहिए जो काफ़ी अच्छा स्मूथ लगे, क्यूट दिखे, आपके फैमिली मेम्बर के लिए काफ़ी अच्छे से रहे, ज़्यादा डेंजर ना दिखे, बट एक वॉच डॉग होना चाहिए। तो ऐसे लोग जो है अकीता के साथ जा सकते हैं, ये डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छा है, बट ये थोड़ा बहुत आपको कॉस्टली या फिर इसके खाने पीने पर आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है, इनका मेंटेन भी आपको अच्छे से रखना पड़ता है, बालों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। बट अगर आप बात करें केयर की तो आपको ज़्यादा इसकी केयर करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सोशलाइज करना पड़ेगा, बट आपके लिए काफ़ी अच्छा और क्यूट सा डॉग ये बना रहेगा। और गाइस इसमें दो ब्रीड आती है, एक अमेरिकन अकीता, एक जापानीज अकीता, तो आप अपने लिए कौन सा बेस्ट है उस हिसाब से आप इनके साथ जा सकते हो। और ये डॉग फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए भी काफ़ी बेस्ट है, अगर आप सेकेंड टाइम हो तो भी आपके लिए बेस्ट है। इन डॉग ब्रीड को अपने फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लगता है, उनके साथ खेलना काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने फैमिली मेम्बर की रक्षा या फिर उनके साथ खेलने में गुजार लेते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड है, आपको एक ऐसा डॉग चाहिए जो काफ़ी अच्छा मिलिट्री डॉग हो, तगड़ा हो, सुरक्षित हो, आपकी वॉच डॉग या गार्ड डॉग भी बन सके वो आपके लिए, और आपकी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सके। तो ऐसे डॉग जो है वो है बेल्जियम मैनोलॉइस। तो ये डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छे वॉच डॉग होते हैं, गार्ड डॉग होते हैं, मिलिट्री में, पुलिस में, सब जगह पे इन डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और ये काफ़ी परफेक्ट डॉग ब्रीड है। आप बोल सकते हो एक ऑलराउंडर की तरह ये डॉग ब्रीड काम करता है, सारी चीज़ों में आपके लिए एक्सपर्ट अगर आप उसको बनाना चाहते हो तो भी आप बना सकते हो, जैसे कि फ्रेंडली हो सकता है, जैसे कि गार्ड डॉग हो सकता है, वॉच डॉग हो सकता है, या फिर एकदम आप बोल सकते हो सभी तरह से आपको करना है तो उस तरह से आप उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप पे, कि आप किस तरह से उसे रखते हो। फैमिली मेंबर आपके घर में ज़्यादा है तो भी इसके लिए चलता रहेगा, अगर छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा सा रहेगा ये डॉग ब्रीड। आपका घर ज़्यादा बड़ा नहीं, मीडियम साइज़ का है तो भी आपके लिए सही रहेगा। बस इसको आप लेने जाओगे तो बस थोड़ा बहुत आपको इसको कॉस्टली, आपको जो कॉस्ट हो वो पे करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों को ये जो है ये डॉग ब्रीड और जो जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड सेम लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो है बेल्जियम मैनोलॉइस काफ़ी अलग डॉग ब्रीड है और जर्मन शेफर्ड है काफ़ी अलग है। आप इनके बालों के ऊपर से देख के भी इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं, दोनों में डिफरेंस आपको पता चलेगा। तो बेल्जियम मैनोलॉइस फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम ओनर के लिए काफ़ी बेस्ट है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। तो नेक्स्ट ब्रीड जो है वो इससे रिलेटेड है, वो है जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड एज अ गार्ड डॉग की तरह भी आप रख सकते हैं, एज अ आप उसको आप बोल सकते हैं एक वॉच डॉग की तरह भी आप उसे रख सकते हो। इसके साथ साथ जो फर्स्ट नंबर पे है वो है लैब्राडोर। लैब्राडोर काफ़ी अच्छा है, ये आप अच्छे से आप उसको वॉच डॉग बना सकते हो। अगर आपके घर में कोई भी आता है या फिर कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम आती है तो ये आपको अलर्ट ज़रूर से करता है बार करके। लैब्राडोर का मेंटेनेंस का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा कम आता है, इनका डाइट भी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। आप थोड़ा बहुत ध्यान देते हो, थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप इन्हें आराम से रख सकते हैं। फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए तो काफ़ी बेस्ट ये डॉग ब्रीड है। अगर आप कोई डॉग लेना चाहते हो जो आपके फैमिली के लिए अच्छा हो, अगर आपको एक नया कोई एक्सपीरियंस नहीं कुछ नहीं, तो भी आप लैब्राडोर के साथ जा सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लैब्राडोर की प्राइस की बात करें तो आज के हिसाब से लैब्राडोर की प्राइस 12,000 से लेकर 18,000-20,000 तक जाती है, डिपेंड करता है क्वालिटी की, किस क्वालिटी का आप लेने जा रहे हो। तो गाइस ये सारे डॉग ब्रीड थे, इसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई कौन सा डॉग आपको लेना चाहिए, ज़्यादा मैंने डीपली नहीं गया। तो आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा, और अगर आपको मेरी बनाई वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी है। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।